अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ अजात अली, आप देख रहे हैं डब्ल्यू टी वी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अम्फन में। ये जो दो लड़के आपको नजर आ रहे हैं, ये दरिया के उस तरफ गए हैं, उस तरफ से भी दरिया आ रहा है, इस तरफ से दरमियान में खाई है। ये वहां पे पहुंच चुके हैं और अब क्रॉस करके इस तरफ नहीं आ सकते हैं। दरिया का बहाव जो है उसमें काफी हद तक इजाफा हुआ है और ये लड़के सुबह गए हुए हैं, अभी वहां पे फंसे हुए हैं और लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। इन लोगों ने अभी रेस्क्यू वालों को कॉल की है लेकिन अभी तक रेस्क्यू वाले यहाँ पे पहुंचे नहीं है, फिर उसके बाद उनको रेस्क्यू करके इस तरफ लेके आएंगे। ये पूरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अपने बच्चों का ख्याल रखें कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि दरिया में सालाना यहाँ पे खुसूसन ये रिवर साइड पे बसीन से लेके सोनीकोट तक ये शिकायत मिलती है कि बच्चे डूब जाते हैं या फिर उनको दरियाबूर्त हो जाते हैं, निकाले जाते हैं। पिछली दफा भी दरिया पे नहाने के लिए 144 लगा हुआ था और इस दफा भी उम्मीद है कि 144 भी लगेगा, साथ में जो है कि वालिदैन भी अपने बच्चों का केयर करेंगे, ताकि इससे होगा ये कि ये जो बच्चे हैं उनकी सेफ्टी को यकीनी बनाया जा सके। अब वो दरिया का ये जो आप देख सकते हैं ये नाला है, ये दरिया है, दरिया का उस तरफ दो दरिया यहाँ पे डिवाइड होते हैं, दरमियान में सूखी जगह है। अब ये क्रॉस करके यहाँ से वहां तो पहुंच गए हैं लेकिन वहां से यहाँ नहीं आ रहे हैं, क्योंकि दोपहर के टाइम पे दरिया काफी के बहाव बढ़ जाता है जिसकी वजह से ये दोनों वहां पे फंस गए हैं। अभी रेस्क्यू वाले आएंगे तो फिर उसके बाद यहाँ पे रेस्क्यू वाले उनको रेस्क्यू करेंगे। ये देखें तकरीबन ये लड़के फंसे, सुबह से यहाँ पे फंसे हुए हैं और यहाँ पे मौजूद जो हैं अहले इलाका जो हैं उनका कहना है कि एक घंटा हो गया है, हमने रेस्क्यू वालों को फोन कर चुके हैं, अब तक रेस्क्यू वाले नहीं आए हैं, जिसकी वजह से यहाँ के अहले मोहल्ला वाले अम्फरी वालों ने खुद, ये दो लड़के आप देख रहे हैं, यहाँ से मूव करके खुद वहां पे गए हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए। ये आप देख सकते हैं रेस्क्यू वाले ना पहुंच सके लेकिन मोहल्ले के जो तैराक लड़के थे वो लड़के खुद अब उनको रेस्क्यू करने के लिए वहां पे पहुंचे हैं, अब उनको रेस्क्यू करने के बाद यहाँ की तरफ लेके आएंगे। दुख का मुकाम है, अफसोस का मुकाम है, रेस्क्यू फौरी तौर पर क्विक रिस्पॉन्स और फर्स्ट इमरजेंसी प्रोवाइड करने के लिए इरादा बनाया गया है लेकिन एक घंटा गुजरने के बावजूद शहर के सिर्फ दो मिनट भी नहीं लगते हैं यहाँ से रेस्क्यू के ऑफिस तक, और दो मिनट के फासले पे आज एक घंटा हो चुका है लेकिन अभी तक रेस्क्यू का मामला यहाँ पे नहीं पहुंचा है। ये आप देख सकते हैं कि अभी रेस्क्यू करके ये लड़के इनको लेके आ रहे हैं, ये देख सकते हैं कि आप ये लड़के जो हैं अब इनको रेस्क्यू कर रहे हैं और इन लड़कों को अभी ये आप देख सकते हैं ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं ये लड़का है, इसने तैराक लड़का है, इसने इसको निकाला है, एक लड़के को रेस्क्यू कर चुके हैं, अब ये जो दूसरा लड़का है उसको रेस्क्यू किया जा रहा है और अभी तक रेस्क्यू की टीम यहाँ पे नहीं पहुंची है। रेस्क्यू की सिर्फ दो मिनट के मुसाफत पे ये इलाका है और एक घंटा हो चुका है, रेस्क्यू का अमला और रेस्क्यू टीम यहाँ पे मौजूद नहीं है और अगर यहाँ पे तैराक लड़के नहीं होते, पहले इलाका की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती तो ये लड़के अभी तक वहां पे फंसे होते। लेकिन आप देख सकते हैं कि इन लड़कों ने हिम्मत का मुजाहरा करके इन दोनों लड़कों को रेस्क्यू कर रहे हैं। ये लखन कौन हो तू, तू तम देखा पार्टी का सो ना रघु सा तो पार के फंसा भी कैसे था, दोबारा ना भी जा रहे तम ना था शो फंसा भी लुसा जी एक भी तो सही मामला देखते पक्का था। आप देख सकते हैं ये देखें अली अहमद जान है, वार्डन पावर का है, ये मुलाजिम है और ये लड़के हैं अपना इंजीनियर है,
दूसरा अबीर है और छोटे बच्चे थे नहाने के तरीके से सुबह से लड़के फंस गए थे। यहाँ लोग जमा हुए, फिर हमने देखा तो रेस्क्यू करने के लिए हम निकल गए। जब रेस्क्यू करके लाए बहुत खुशी हुई हमें, और भी इंसानियत की किस्मत के लिए हम तैयार हैं। थैंक यू। सुबह से वहाँ फंसे हुए थे, रेस्क्यू वालों को भी कॉल किया, रेस्क्यू वाले नहीं आए, मालने वाले लड़के जाके उन्होंने रेस्क्यू करके लाके इनको हवाले कर दिए। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मैं ऊपर रोड पे अभी आ रहा था घर से, तो मुझे कुछ लोगों का हुजूम नजर आया, तो देखा तो दो लड़के उस तरफ बैठे हुए थे, डरे हुए लग रहे थे। तो यहाँ पे जो बैठे हुए थे वो चिल्ला रहे थे क्रॉस नहीं करना, तो वो लोग नहा भी नहीं सकते थे मेरे ख्याल में से। तो इधर जब मैं नीचे आया तो हार मोइन भाई वहाँ बैठे हुए थे, तो उसने कहा कि रेस्क्यू आने का अगर कुछ हो सकता है तो आप करें। तो फिर ये यहाँ से जो क्रॉस करने का जो रास्ता था वो ज़रा हम कर सकते थे आराम से इसको क्रॉस, तो हम इधर से गए तो उनको अपनी आप रेस्क्यू करके इस तरफ लेके आए। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, मेरी रिक्वेस्ट है तो उन माओ से, उन वालदेन से जो अपने छोटे बच्चों को इस तरह बाहर छोड़ते हैं, तो इस तरह के छोटी छोटी इनकी वजह से बड़े बड़े हादसा होते हैं, अमवात का सबब बनते हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि इनकी सही से लुक आफ्टर करें। बिल्कुल, थैंक यू अबीर। बिल्कुल यकीनन ये है कि ये जो दरिया है सालाना यहाँ पे कई कीमती जाने यहाँ पे जा चुकी है, हम अभी विटनेस है इस इलाके के, और इस वजह से पुलिस को भी और इंतजामिया को भी डीसी साहब को भी दफा 144 लगाना चाहिए, और उसके साथ जो वालिदैन है अपने बच्चों का केयर करें। उनको पता नहीं होता है लेकिन उनके बच्चे जो हैं दरिया पे आके नहाते हैं, कल को कोई भी हादसा हो सकता है जो मौत का सबब बन सकती है। और यकीनन जिन लड़कों ने यहाँ पे इसको रेस्क्यू करके इन दोनों बच्चों को बचाया है और सिविक्स का मुजाहरा करते हुए अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा की है, हुकूमत को चाहिए कि उनकी अप्रिसिएशन जरूर करें, ताकि ये है कि ये जो लड़के हैं आइंदा भी इस तरीके से अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा कर सकें। मुझे दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज़।